अपरस्तों का मान। MQM पाकिस्तान। यानी ऐसे सवाल उभरे जिसका जवाब अब तक नहीं मिल सका, लेकिन MQM ने उम्मीद ना छोड़ी और एक बार फिर आम इंतखाबात की तरह जमनी इंतखाबात में भी PS94 की नशीत पर अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा। अगर बात की जाए इस हलके के हवाले से तो 1,31,000 के करीब यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर हैं, जबकि यहाँ पर पोलिंग स्टेशन की तादाद 86 है और पोलिंग बूथ जो है वो 295 के करीब है। बड़े गुरूर और घमंड से ये बात कही थी किसी साहब ने कि MQM को दफन कर दे। मैंने कहा था कि दफन हो गए वो लोग जिन्होंने MQM को दफन करने का सोचा। और जनरल इलेक्शन में आपने देखा कि मुहाजिर अवाम ने बिलखसूस और कराची की अवाम ने उन दफन करने वालों को ही दफन कर दिया। बांगे दोहल कह रही है हमने इस MQM को दफन करना है, हमने इस MQM को जमी बोस करना है। किसी एक इलाके से एक सीट हासिल नहीं कर, ये सारा नजला कराची के लोगों पर क्यों गिरता है? कहा ये जा रहा है कि जिस मकान में भी जो रिहायशी मकान है दुकान बनी है उसको तोड़ दो। इस शहर के लोगों पर रोजगार के दरवाजे बंद हैं, उनको नौकरियां नहीं दी जाती, किसी गवर्नमेंट के इदारे में उसको नौकरी नहीं मिलती। और अपने बच्चों को पालने के लिए किसी ने अपने घर के नीचे एक दुकान बना ली, आप कहते उसको भी तोड़ दो। नहीं, ये सही अमल नहीं है। आप पहले लोगों को रोजगार फराहम करें, उसके बाद अगर उसने कोई गलत काम किया है तो आप जरूर एक्शन लें। पथारों के नाम पर के पथारे लगे हुए हैं, नालों पर मार्केटें बना ली गई हैं, इनको मस्मार कर दिया जाए। मेयर को प्रेशराइज किया हुआ है, मेयर के ऊपर इतना दबाव है कि आप ये काम करो। हम मेयर नहीं है, हम आवाज उठाएंगे। क्या आपको सिर्फ गरीब आबादी की दुकानें और छोटे छोटे पथारे नजर आते हैं जो दीगर इलाकों में, जो शाराए फैसल पर या डिफेंस क्लिफ्टन में जो शादी हॉल बने हुए हैं, जो दीगर एक्टिविटीज हो रही हैं, आपको वो कोई नजर नहीं आता? आपको राशिद मिनास रोड नजर नहीं आता? आपको कारसाज रोड नजर नहीं आता? वहां पर कोई एक्शन लेने की जुर्रत नहीं कर सकता? आपको सिर्फ गरीब आबादी के लोग नजर आते हैं। जुल्म है ये, नाइंसाफी है। और अगर 40 साल पहले वाला कराची आप बनाना चाहते हैं तो फिर 40 साल में जो नाइंसाफियां हुई हैं, जो नौकरियों में ज्यादतियां हुई हैं, जो कोर्टे की बुनियाद पर हमारे साथ जुल्म हुआ है, पहले आप वो हमें दिलवा दीजिए। क्या आप जाकर सोराब बोर्ड पर या कटी पहाड़ी पर ऑपरेशन कर सकेंगे? आपकी टांगे कांप जाएंगी, नहीं कर सकेंगे। आपको सिर्फ उर्दू बोलने वाले इलाके नजर आते हैं जहां पर महाजन रहते हैं। इस तरह के एडवेंचरिज्म को रोकिए, ये अच्छा नहीं है मुल्क के लिए। और ये सारा जुल्म आपके साथ होता रहेगा अगर हम इसी तरह मुनकसिम रहेंगे, इसी तरह मुंतशिर रहेंगे। बाकी कोई आपका हमदर्द नहीं है, चाहे पीपुल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे PTI हो, कोई आपका हमदर्द नहीं है। ये TV पे आके दूसरी बात करते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के दूसरी बातें करते हैं। कराची से कोई हमदर्दी नहीं रखता, हैदराबाद से कोई हमदर्दी नहीं। आपको अपने हकूक के लिए खुद मुनज़्ज़म होना होगा, खुद मुत्तहिद होना होगा। आप जब खुद मुत्तहिद होंगे तो फिर आपके मसाइल भी हल होंगे। अल्लाह ताला की रजा शामिल थी, वो 7 MNAs इतने भारी थे कि उनके बगैर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं बन सकते थे। बल्दियात को इख्तियार दीजिए, इस शहर के मेयर को इख्तियार दीजिए ताकि वो पानी का मसला हल कर सके, वो कचरे का मसला हल कर सके। लेकिन अगर आपने इस आवाज को नहीं सुना तो फिर ये आवाज बढ़कर सूबे के मुतालबे की तरफ जाएगी और फिर MQM सूबे का मुतालबा करने पर मजबूर हो जाएगी।
सिंध असम्बली की अहम नशीस PS 94 पर 27 जनवरी को ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसी हवाले से हम मौजूद हैं लांडी में, जहां MQM पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PS 94 की नशीस पर MQM के उम्मीदवार हाशिम रजा जलानी साहब, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इस हल्के के हवाले से मज़ीद जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि आप जो है MQM पाकिस्तान की जानिब से आपको इस नशीस के लिए चुना गया है, तो अब आप क्या देख रहे हैं इस हल्के में कि आप, क्योंकि अब जो सियासी सूरत हाल है वो शहर की दूसरी, आप किस तरह देख रहे हैं MQM की जीत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल इंशाल्लाह हम विनिंग हैं। हमारी ये सीट थी, पहले भी वजाद भाई यहाँ से इलेक्ट हुए थे और लांडी के लोगों ने एक बहुत बड़े मार्जिन से उनको जिताया था, और इस बार भी बड़ी अच्छी उम्मीद है अपने लोगों से इंशाल्लाह कि हक प्रस्त लोग यहाँ रहते हैं और हम लांडी फिर विन करेंगे एक बार। अच्छा हाशिम भाई, ये बताइएगा कि मोहम्मद वजाद के इंतकाल के बाद ये नशीस खाली हुई थी, तो उसमें TLP जो है वो दूसरे नंबर पर थी MQM पाकिस्तान पहले नंबर पर, लेकिन अब जो है PSP भी है और MQM हकीकी जो है वो भी बहुत ताकत में नज़र आ रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल TLP मार्जिन बिल्कुल आया था, लेकिन उस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बिग डिफरेंस से जो है वो MQM ने विनिंग यहाँ से पोजीशन ली थी। और PSP से होने दें, लास्ट टाइम भी मतलब आप लांडी की बात कर रहे हैं तो लांडी है MQM का हमेशा से गढ़ रहा है, उसमें तो पूरे कराची से मतलब हार गई वो, एक भी सीट नहीं ले सकी वो। और महाजर कौमी मूवमेंट का एक वोट बैंक जो है वो बहुत लिमिटेड है और मैं नहीं समझता कि वो ले पाएंगे, और इंशाल्लाह पतंग ही उड़ेगी लांडी से। सत्ताईस तारीख को PS 94 में इलेक्शन हो रहा है, ये सीट MQM की थी और आसानी से नहीं, इंशाल्लाह बहुत आसानी से निकालेगी। ये MQM की सीट है, इलाके के लोग MQM के हैं और इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा तादाद में वोट पड़ेंगे और इंशाल्लाह हम भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। फारूक सत्तार भाई ने कुछ एक शेर कहा था और उन्होंने एक बात और कही थी कि MQM को जो है वो 1986 की तरफ पर बहाल करना चाहते हैं, उसका आप क्या जवाब देंगे? कौन साहब है ये? फारूक सत्तार साहब, मैं वाकिफ़ नहीं हूँ उनसे, यही जवाब है मेरा। 27 जनवरी को ये फैसला होगा कि इस मैदान में जितने भी उम्मीदवार हैं इसकी जीत का सेहरा, इस नशीस की जीत का सेहरा किसके सर सजता है। इससे कबल भी ये नशीस MQM पाकिस्तान के पास ही थी, MQM पाकिस्तान के मोहम्मद वजाहत इस नशीस पर कामयाब हुए थे, जिनके इंतकाल के बाद ये नशीस खाली हो गई थी, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार आम इंतखाबात में TLP के थे। अब देखना यह है कि 27 जनवरी जो एक बहुत बड़ा मार्का यहाँ होने जा रहा है, इसकी जीत का सेहरा किसके सर सजता है।